Assalamu alaikum. Assalamu Hello alaikum. everyone. How are you all doing today? So Aisha just heard a song. Batao kaun sa gana suna hai? Mere ho jao. Aur ye ek movie aa rahi hai. Project 91 yes. ki taraf se. Aur uske andar Kinza Hashmi hai. Maine bahut sare uske drama dekhe hue hain. Zabardast uski acting hai. We used to watch her in dramas, Pakistani dramas. So, हमने बहुत सारे ड्रामे उसके देखे हैं. पसंद है, एक्टिंग उसकी अच्छी है. और आई थिंक हियर यू नो राहत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान तो सब तो पसंद करते हैं. हम भी बहुत प्यार करते हैं उनको. और ये गाना चलो सुनते हैं दोनों ऑल टुगेदर एंड देखते हैं कैसे पसंद आया. आप भी हमें बताइए आपको पसंद आया. और आगे करने से पहले अभी थोड़ा देखें कि याद रखना कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अगर आपको पसंद आए. इट विल रियली हेल्प अस. आपकी सपोर्ट हमें जरूरत है. थैंक यू सो मच. अभी चले देखते हैं फिर. लेट्स गो. से पढ़ दें शाम को शम्मा जलाए खास एक महफिल सजाए इश्क सा कुछ तुम सुना प्यार सा कुछ हम सुनाए आज तुम मेरे हो जाओ आज हम तेरे हो जाए आज तुम पर्दा हटाओ आज हम नजरे मिलाए आज पर्दा हटाओ क्या बात है. आज हम तेरे हो जाए आज तुम पर्दा हटाओ आज हम नजरें मिलाए आशिकी का आएगा जो देख लो वो पल यही है कल कभी ना हमने देखी तेरे मेरे साथ की वो खूबसूरत कल यही है आसरा मोहब्बत का वो खत आंखों से पढ़ दे शाम को शम्मा जलाए खास एक महफिल सजाए इश्क सा कुछ तुम सुनाओ प्यार सा कुछ हम सुनाए आज तुम मेरे हो जाओ आज हम तेरे पहले मुश्किलों के साथ गुजरी हम दोनों की जिंदगी है ये तो जाहिर है मेरी जान दर्द कोई तुमको होगा दर्द कोई हमको भी है गम के बाद बने रातों के सूने सूने सहरा को हम ख्वाबों के दरिया से भर दे जो दिलों में है लिखा हुआ मोहब्बत का वो खत आंखों से पढ़ दे शाम
हाँ जी वाह व्हाट अ सॉन्ग, क्या बात है, क्या ये बात तो कोई है? अनोखी बात हो गई, ये कभी ऐसे देखा नहीं है वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल में ये पूरी जो म्यूजिक वीडियो है ये दुबई में बनी है। यस, क्योंकि शुरू शुरू में वो तस्वीर भी आती है पीछे, वो जो दुबई का म्यूजियम है, तस्वीर में उसकी दुकान में, और वो भी है जो बाजार भी है, बाजार भी है, बाद में जाहिर है वो प्लाजो वर्साचे होटल भी, दीवार के ऊपर कलमा भी लिखा है। हाँ, so that's one thing. Obviously, हमको दुबई से बहुत प्यार है, so we love Dubai, very nice. And ये जो कहानी है, ये कहानी थोड़ी अनोखी है क्योंकि ये ऐसे पता चल रहा है कि वो उससे मोहब्बत करती है। Yeah. और हाँ यही उसे दोनों मोहब्बत करते हैं, एक दोनों मोहब्बत करते हैं, वो गरीब है वो अमीर है। हाँ, और फिर उसका बाप उसको पकड़ लेता है और उसको मारता है, लेकिन जो दूल्हा है जिसकी जो लड़की की किंजा की बाद में शादी होने वाली होती है, वो जो दूल्हा है वो उस पुरानी लड़के के साथ कॉन्टेक्ट में है। कॉन्टेक्ट में नहीं, वैसे ही है, कोइंसिडेंस था। हाँ, उधर दरबार में मस्जिद में काम बैठे हुए थे तो और तस्वीर उसने देख ली और उसका दिल कितना अच्छा था कि उसने सुनी कहानी, फिर वो शादी वाले दिन उसको लेके आया लड़के को और ये तुम्हारी अमानत ले जाओ। आई थिंक सो। एंड एक और बात मैंने नोटिस की थी, शलवार कमीज जबरदस्त ग्रीन व्हाइट, बाद में ब्लू और व्हाइट, जबरदस्त स्टाइल है यार, ये जो ट्रेडिशनल है हमारे, अच्छे कलर के साथ, और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो आपने उसकी शलवार कमीज नोटिस किया, तो मैंने एक्चुअली किंजा की ड्रेसिंग एंड ज्वेलरी नोटिस की है। अच्छा। उसके जो इयररिंग्स हैं बहुत जबरदस्त, और वो जो नेकलेस उसको पहना रहा है वो भी बिल्कुल इसी स्टाइल के, जैसे मैंने इयररिंग्स पहने हुए हैं ना, इसी स्टाइल के। अच्छा, नाइस। सो आई थिंक यस, यू नो किंजा एंड two different cultures. अच्छा, हमें खुशी होती है कि ऐसे कोलैब्स होते हैं क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और मेरा ख्याल में बस दिल अच्छा होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, फिर यू कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, जहां से भी आप आओ, कौन मुल्क से, शहर से, लेकिन दिल और नीयत अच्छी होनी चाहिए, लोगों को इज्जत करनी चाहिए, छोटे हो गरीब हो सबकी इज्जत करनी चाहिए, यह हमारा बस कहना है। हमें बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि सबकी इज्जत करो, जिन्हें देखो उनका कलर कैसे है या उनकी जॉब कैसे है, उनका स्टेटस क्या है। हम मेरा तो ये ख्याल है कि सबकी इज्जत करो, सब बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली। प्लीज डू रिमेम्बर बिफोर यू लीव, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत प्यार आज, और फिर अगली बार अगली मूवी में मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह बाय।